फ्रेंड्स गुड इवनिंग, मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रूबी रेंजर्स वर्सेस बोसल बास्टर्स के बीच में होने वाला फोर्थ मैच के बारे में। तो दोस्तों ओमान डीटेन लीग का ये फोर्थ मैच है और ये मैच जो है दोस्तों भारत के टाइम के अनुसार 7:30 बजे खेला जाएंगे रात को। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैच स्टार्ट होने में अभी भी 3 घंटा बाकी है दोस्तों। और यहाँ पर वेन्यू की बात करें, यह अमीरेट क्रिकेट ग्राउंड ओमान में खेला जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कौन सा 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो भी बताऊंगा, स्मॉल लीग के लिए आपको कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड लीग के लिए आपको कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट है और मेगा ग्रैंड लीग के लिए आपको कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट है। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर मैं डिस्कस करके बताने वाला हूं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक और काम करना दोस्तों, आपको ना मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। तो टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। अगर बाय मिस्टेक लिंक ओपन नहीं होता दोस्तों तो टेलीग्राम पे आपको जाना @shatrughan225 चेक कीजिएगा दोस्तों। चेक करते आपको मेरे चैनल शो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो 1286 यूजर मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्रिकेट विद SC भी सर्च करेंगे दोस्तों तो मेरे चैनल हो जाएगा। तो जल्दी से फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग और यहाँ पर इसके साथ साथ टॉपिक्स और मेगा ग्रैंड लीग के लिए 2-3 प्लेयर बताऊंगा। तो यहाँ पर एक परफेक्ट मेगा ग्रैंड लीग टीम बनने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला मेरा पिक होगा दोस्तों विकेट कीपर के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों अब्दुल रऊफ है। इनको मैं क्यों लिया हूँ कि ये विकेट कीपर ज़्यादा पॉइंट्स देंगे, इसके साथ साथ दोस्तों लास्ट मैच में ये 46 रन बना के आउट हो गए। इसमें जो स्ट्राइक रेट इनके रहे 306.66 इनकी स्ट्राइक रेट है, तो यहाँ पर लाजवाब स्ट्राइक रेट रहा इसलिए मैं इनको कंफर्म कर रहा हूँ। तो दोस्तों उसके बाद एक बैट्समैन के साथ जाऊँगा मैं, पृथ्वी मच्छी को पिक कर रहा हूँ। अगर इनकी बात करें लास्ट मैच में खास परफॉर्मेंस तो नहीं रहा, 11 रन बनाए और इसके साथ साथ इनको 1 विकेट मिला, लेकिन यहाँ पर ये प्लेयर इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और इनकी जो स्ट्राइक रेट रही लास्ट मैच में 122.22 की स्ट्राइक रेट रही है। और आप बात करते हैं थर्ड जो प्लेयर है दोस्तों ऑलराउंडर को पिक करूँगा, जितेंद्र कुमार रामानंदी। अगर इनकी बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है, अगर इनकी पूरी ओवरऑल स्टैट्स देखा जाए तो लास्ट सीजन में ओमान D20 लीग था वहाँ पर 10 मैच में पूरे 12 विकेट इनको मिले हैं, तो इसलिए मैं इनको कंफर्म कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक और प्लेयर है दोस्तों, यहाँ पर बिलाल शाह एक इंपॉर्टेंट बॉलर है। और इनकी बात करें जो लास्ट मैच खेले वहाँ पर एक ही मैच खेले BOB टीम ने बॉसेस पास्टर्स ने, तो यहाँ पर एक मैच में दोस्तों इनको लास्ट मैच में 3 विकेट मिले। और जो इकोनॉमी रही दोस्तों एकदम कमाल की रही, एक इकोनॉमी के साथ मतलब कमाल की गेंदबाजी की है, तो इनको जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। अब बात करेंगे स्मॉल लीग के लिए आपको कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट है, तो जितेंद्र कुमार रामानंदी जो प्लेयर को हम लोग पिक किए हैं दोस्तों, ये बंदा आपको स्मॉल लीग के लिए परफेक्ट है, इनको जरूर टीम में रखना। उसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर है खलित खेल, बैट्समैन है दोस्तों यहाँ पर आपको, चलिए मैं दिखा देता हूँ। खलित खेल की बात करें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में देख सकते हो लास्ट सीजन में दोस्तों यहाँ पर 10 मैच में 293 रन बनाए, इसलिए मैं इनको कंफर्म कर रहा हूँ, इनको भी आपको टीम में रखना। अब्दुल रऊफ भी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर है स्मॉल लीग के लिए। और यहाँ पर एक और प्लेयर है बिलाल शाह, यहाँ पर हम लोग पिक कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 4 प्लेयर्स है दोस्तों इनको आपको टीम में ज़रूर रखना है। अब ग्रैंड लीग के लिए आपको कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट है, तो पहला जो प्लेयर है दोस्तों ऑलराउंडर में वसीम अली है, इनको जरूर रखना। आपको मेगा ग्रैंड लीग के लिए प्लेयर इंपॉर्टेंट है, हसनैन अली भी आपको एक इंपॉर्टेंट बॉलर होने वाला है दोस्तों, आप इनको भी टीम में जरूर शामिल कीजिएगा, मोहम्मद हसनैन अली इनको भी आपको टीम में रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फ्लोरी गॉर्ज है, इनको भी टीम में रखिए। अगर इनकी बात करें आपको, चलिए मैं दिखा देता हूँ हसनैन अली यहाँ पर है दोस्तों, फ्लोरी गॉर्ज की बात करें आप यहाँ पर इनको टीम में जरूर शामिल कीजिए। लास्ट मैच खेलें खास परफॉर्मेंस तो नहीं रहा लेकिन जरूर टीम में रखिए। सिद्ध मेहता है दोस्तों यहाँ पर, इनको भी आप टीम में ले सकते हो यहाँ पर सिद्ध मेहता। चलिए दोस्तों दिखा देता हूँ, सिद्ध मेहता की बात करें आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो सिद्ध मेहता आपको मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं 9 प्लेयर को पिक किया, लेकिन अभी भी यहाँ पर 2 प्लेयर इंपॉर्टेंट है। तो जो प्लेयर इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो गस्तो बर्गर है, इनको जरूर टीम में लिखिए लीजिएगा टीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों गस्तो बर्गर की बात करें 9 मैच में 250 रन बनाए, इसलिए मैं इनको कंफर्म कर रहा हूँ। उसके बाद सुफियान मोहम्मद की बात करें आप इनको ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर इनकी बात करें 4 मैच में 2 विकेट तो मुझे खास परफॉर्मेंस नहीं लग रहा, इसलिए मैं इनको अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं एक चेंजिंग करने वाला हूँ, हसन अली को यहाँ पर मैं रिमूव करके यहाँ पर आपको एम हसन को ले सकते हो, यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो बैट्समैन में आपको जाना है शुभो पाल, एक अच्छे स्टार्ट्स है दोस्तों इनके पास, इनको जरूर टीम में शामिल कीजिए। तो दोस्तों मेरा टीम बन गया। अगर यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पर आपको बेस्ट कैप्टन दूंगा दोस्तों यहाँ पर,
तो कैप्टन में यहाँ पर अब जितेंद्र कुमार रामानंदी आपको बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पहले अब्दुल रफ को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन में बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा जो प्लेयर है दोस्तों यहाँ पर बिलाल मोहम्मद शाह, इनको आप वाइस कैप्टन बना लीजिए। तो दोस्तों मेरा टीम बन गया। अगर प्रीव्यू की बात करें तो यहाँ पर विकेट कीपर पर अब्दुल रफ है और यहाँ पर इस प्लेयर को मैं कैप्टन भी बनाए। बैट्समैन में खलीद खेल, पी मची, पृथ्वी मची, शुभोपाल है और यहाँ पर ऑलराउंडर में डब्ल्यू अली, जितेंद्र कुमार रामानंदी, गस्तो बर्गर है। उसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में यहाँ पर बिलाल मोहम्मद शाह, एफ जॉर्ज, एस मेहता, एम हसन है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो टीम में। उसके बाद यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कैप्टन में अब्दुल रफ और यहाँ पर बिलाल मोहम्मद शाह यहाँ पर वाइस कैप्टन रहे। तो दोस्तों लाइनअप अनाउंस होने के बाद आपको जो फाइनल टीम होगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जो फाइनल टीम होगा आपको यहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों इसके साथ साथ और कुछ मैचेस बचे हैं, उसका भी मैच आज हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मैचेस है दोस्तों उसके लिए भी आपको वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैच है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ग्लोबल स्टार्स और 33 है, इसका जो लाइनअप अब अनाउंस होगा इसका फाइनल टीम आपको मैं दे दूंगा। रूबी रेंजर्स से बॉक्सर बास्टर्स की टीम तो दे चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फैन कोड ओमन D10 लीग के जो चार मैचेस देख रहे हैं चारों के चारों वीडियो भी आने वाले और फाइनल टीम आएगा। तो जल्दी से फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि जो भी फाइनल टीम होता है मैं टेलीग्राम पे ही अपडेट करता हूँ, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। थैंक यू।